जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। कभी भरे मंच पर पहलवान को थप्पड़ मार दिया, तो कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन निकल गया, कभी तिहाड़ जेल में रहे तो कभी राज ठाकरे को धमकी दे दी, और अब महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न वाले आरोपों से घिरे हुए हैं। आपको बता दें, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह की गिनती दबंग नेताओं में होती रही है, और ये तो आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश के कैसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले बृजभूषण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। लेकिन इनके काम कैसे रहे ये आप आगे सुनेंगे, क्योंकि विवादों से इनका बड़ा करीबी रिश्ता है। बता दें कि बृजभूषण चरण सिंह पर हत्या, आगजनी और तोड़फोड़ के कई आरोप पिछले सालों में लगते रहे हैं। यही कारण है कि उनके खिलाफ 40 मामले दर्ज हैं। विवादों की बात करें तो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनने के बाद बृजभूषण सिंह ने दिसंबर 2021 में एक पहलवान को भरे मंच पर थप्पड़ जड़ दिया था। उन्होंने पहलवान को 2 थप्पड़ मारे थे और ये घटना रांची में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में हुई थी। जाहिर तौर पर ये चैंपियनशिप 15 साल से कम उम्र वालों के लिए थी, और जिस खिलाड़ी को उन्होंने थप्पड़ मारा था उनकी उम्र कुछ ज्यादा थी, इसीलिए आयोजकों ने उन्हें प्रतियोगिता में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद वो इसकी शिकायत लेकर मंच पर चले गए। तब उनकी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के साथ जो है वो बहस हो गई, और उसके बाद सांसद ने उनको भरे मंच पर थप्पड़ मार दिया, और बाद में ये कह दिया कि उनके संघ में अनुशासनहीनता के लिए कोई भी जगह नहीं। अब ये बात अलग है कि आज की तारीख में उन पर ही इस तरह के आरोप लग रहे हैं, संघ को मनमाने ढंग से चलाने के आरोप, साथ ही यौन उत्पीड़न के आरोप। बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी शुरुआती जिंदगी या छात्र जीवन जो है वो कहें तो उन्होंने अखाड़ों में ही गुजारा, और खुद कर वो पहलवान के तौर पर खुद को शक्तिशाली कहते हैं, और राजनीति की बात करें तो कॉलेज के दिनों से ही वो एक्टिव थे, छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। सांसदी की बात करें तो 1991 में पहली बार लोकसभा से चुने गए, इसके बाद सिलसिला चलता रहा 1999, 2004, 9, 14 और 19, यानी 6 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। हालांकि बीच में उनके भाजपा के साथ कुछ मतभेद हुए तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, ये बात मैं आपको 2009 की बता रही हूँ। भाजपा तो छोड़ दी, फिर सपा के टिकट पर कैसरगंज से जीते, इसके बाद वो एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए। भले ही बीच में बीजेपी से ब्रेकअप कर लिया हो, लेकिन अपनी छवि एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर उन्होंने गढ़ते रहे, और उसे वो अयोध्या के बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराने के अभियुक्त भी वो रहे। आपको 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने का वो मामला तो याद ही होगा, जिसमें बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण अडवाणी के साथ 40 अभियुक्तों के नाम शामिल थे, उनमें से एक बृजभूषण शरण भी थे। हालांकि सितंबर 2020 में कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। साल भले ही बीतते गए हों, लेकिन विवादों ने इनका पीछा कभी ना छोड़ा, या फिर यूं कहें कि इन्होंने विवादों का पीछा कभी नहीं छोड़ा। 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने ये कह दिया था कि समाजवादी पार्टी को वोट दोगे तो पाकिस्तान खुश होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान पर क्यों ना बोलें, क्या मोदी और योगी को हराने की चिंता पाकिस्तान में नहीं हो रही। तब उन्होंने कहा था कि ये हमारी ही पार्टी में संभव है कि हम कलाम को राष्ट्रपति बनाते हैं। कलाम बनकर रहो तो राष्ट्रपति बनाएंगे, कसाब बनकर आओगे तो काटेंगे। इसके अलावा बीते साल नवंबर में गोंडा में आयोजित एक कुश्ती कंपटीशन के दौरान उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं गारंटी लेता हूँ कि ओवैसी के पूर्वज हिंदू थे और उनके बाबा के पिताजी का नाम तुलसीराम दास था। सिर्फ यही नहीं, बृजभूषण शरण सिंह ने तो राहुल गांधी और बिलावल भुट्टो को एक ही नस्ल का बता दिया। इसके अलावा उन्होंने रामदेव के पतंजलि पर नकली घी बेचने का आरोप लगा दिया था। तब पतंजलि ने उन्हें एक लीगल नोटिस भेजकर
माफी मांगने को कहा था, लेकिन ब्रजभूषण कहां माफी मांगने वाले थे। वैसे याद रहे कि ब्रजभूषण ने खुद अपनी पार्टी को भी कई बार लपेटे में लिया है। जब उत्तर प्रदेश बारिश और बाढ़ की चपेट में था, तब वो अपने चुनाव क्षेत्र पहुंचे और वहां चल रहे राहत कार्यों को देखकर वो बिलबिला गए और कहा, पहले कोई भी सरकारें होती थी, बाढ़ के पहले एक बैठक होती थी, हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई है और लोग भगवान के भरोसे हैं। बाढ़ से राहत के लिए ऐसी खराब व्यवस्था मैंने अपने जीवन में पहली कभी नहीं देखी। अफसोस यह है कि हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। राजनीति से परे आपको बताएं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को महंगी एसयूवी गाड़ियों का बेहद शौक है और सूबे की राजधानी लखनऊ के लक्ष्मणपुर इलाके में उनकी एक करोड़ों का जो है आलिशान बंगला है उनके पास, जिसमें उनकी चमचमाती गाड़ियों को खड़े करने के लिए आप कहें तो जगह भी नहीं हुआ करती। कहा तो ये भी जाता है कि इस बंगले में जिम से लेकर बैडमिंटन कोर्ट शामिल है और इसी में आपको अस्तबल और गौशाला भी मिलेगी, ऐसा बताया जाता है। 2019 के चुनाव में दिए गए हलफनामे के मुताबिक ब्रजभूषण शरण सिंह 9,89,00,000 के मालिक हैं और वो अपने पास एक पिस्टल भी रखते हैं। खैर, हम ये जानना चाहते हैं कि आपका इस पूरे रिपोर्ट पर, इस पूरे विवाद पर जो रेसलर्स वर्सेस ब्रजभूषण शरण सिंह हो गया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।